हाय फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो फ्लोर स्ट्रक्चर का वैल्यू कैलकुलेशन होता है वो होता है मेम्ब्रेन के जीपीडी का 6 गुना, जीपीडी ऑफ आरओ मेम्ब्रेन। को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो होगा फ्लोर स्ट्रक्चर का वैल्यू, क्या होगा एफ आर टी, कितना मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से रिजेक्ट वाटर देने वाला लगना चाहिए वो पता चलेगा। तो चलिए मान लीजिए कि आपका 75 GPD का आरओ मेम्ब्रेन है, आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 30 का 0 और कैरी हो जाएगा 3, और 7 6 42 और 3 45, यानी कि 450 मिलीलीटर पर मिनट की रफ्तार से पानी को रिजेक्ट करने वाला हम लोग फ्लो रेस्ट्रिक्टर का यूज करते हैं, जबकि जहाँ हार्ड मिनरल्स हो वहाँ पे 450 cc का अगर आप फ्लो रेस्ट्रिक्टर का यूज करेंगे तो ये जो 75 GPD का आरओ मेम्ब्रेन है वो बहुत ही जल्दी चौक कर जाएगा। मान लीजिए कि आप 100 GPD का मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, उसी हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मिलीलीटर पर मिनट की रफ्तार से रिजेक्ट करने वाला फ्लोरेस्ट्रिक्टर चाहिए। तो जनरली देखा गया है कि 600 मिलीलीटर पर मिनट के रफ्तार से रिजेक्ट देने वाला फ्लोरेस्ट्रिक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इसके जगह पे 550 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से रिजेक्ट वाटर देने वाला आप फ्लोरेस्ट्रिक्टर का यूज कर सकते हैं। ऐसे तो अच्छा रहेगा कि अगर ज़्यादा टीडीएस है, हाई टीडीएस है, तो इसके जगह आप 650 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को रिजेक्ट करने वाला फ्लोरेस्ट्रिक्टर का आप यूज करें तो बेहतर रहेगा। तो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।